I am S.K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. आज मैं आपके लिए पांच अंतर लाया हूं, पांच शब्दों के प्रयोग में कैसे अंतर होता है, अंतर सीखें। सम और एनी में अंतर, मैनी और मच में अंतर, ईच और एवरी में अंतर, एल्डर ओल्डर में अंतर, फादर फर्दर में अंतर। ये अक्सर इसमें गलती होती है, इसीलिए मैंने इस चीज को लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर में कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप जानते ही होंगे, विद्यार्थी तो विशेष रूप से इसको जाने। सम, सम माने कुछ, और इसका प्रयोग कहां होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। कौन से इंटरोगेटिव में? जो विनम्रता दर्शाते हो, निवेदन दर्शाते हो, प्रार्थना दर्शाते हो, ऐसे सेंटेंसेस में सम का प्रयोग हो जाता है। अंतर समझने का प्रयास करें, जिसमें निवेदन किया गया हो, प्रार्थना की गई हो, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसका प्रयोग हो जाता है। एनी का प्रयोग कहां होता है? एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। देखें, अब मैं सेंटेंसेस के जरिए आपको अंतर समझाऊंगा। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सम का प्रयोग होगा, एनी का नहीं। वुड यू टेक सम स्वीट्स, क्या आप कुछ मिठाई लेंगे? प्लीज, आप क्या कुछ मिठाई लेंगे? ऐसे सेंटेंसेस में भी सम का प्रयोग होगा, एनी का नहीं। देखें इस चीज को अच्छी तरीके से। अब देखें एनी का प्रयोग कहां होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटरोगेटिव कौन सी? जिसमें प्रार्थना न की गई हो। देखें, दे हैव नॉट रेड एनी बुक, उन्होंने किताब कोई किताब पढ़ी नहीं है। हैव यू गॉट एनी न्यूज, क्या तुम्हें कोई न्यूज मिली, क्या तुम्हें कोई खबर मिली? पहला नेगेटिव नॉट लग रहा है उसमें, हैव यू गॉट एनी न्यूज, ये इंटरोगेटिव है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में एनी का प्रयोग होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और प्रार्थना के भाव में पूछा गया, विनम्रता के भाव में, निवेदन के भाव में पूछा गया सेंटेंस जो होगा उसमें भी सम का प्रयोग होगा, चाहे वो इंटरोगेटिव ही क्यों ना सही। मैनी और मच में अंतर समझ लें, एक जैसा ही समझ जाते हैं इसको, ऐसा नहीं है। मैनी का अर्थ होता है संख्या में बहुत से, और मच का अर्थ होता है मात्रा में अधिक, मात्रा में अधिक। आई हैव नॉट लर्नड मैनी स्टोरीज, मैंने बहुत सारी कहानियां याद नहीं की है या नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड मैनी स्टोरीज, मैनी बहुत सी, संख्या वाली चीजें, ध्यान रहे संख्या, मैनी का प्रयोग होगा, लेकिन मात्रा जैसे दूध की मात्रा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें मात्रा हो मच का प्रयोग होगा। आई डोंट हैव मच मिल्क, मेरे पास ज्यादा दूध नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जिसमें मात्रा का प्रयोग हो मच का प्रयोग होगा, और जिसमें संख्या का प्रयोग हो उसमें मैनी का प्रयोग होगा। अर्थ मैंने सामने लिख दिया है, मैनी का अर्थ संख्या में बहुत से, और मच का अर्थ है मात्रा में अधिक। ईच और एवरी का प्रयोग देखें, ईच कम संख्या के लिए, निश्चित संख्या के लिए आता है, होता दोनों का अर्थ एक ही है, प्रत्येक, दोनों का अर्थ एक है, प्रत्येक। ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट, दो या दो से अधिक के लिए ये यूज होता है, लेकिन संख्या निश्चित होती है, मैंने लिखा निश्चित संख्या के लिए। एवरी का प्रयोग प्रत्येक अर्थ है इसका, अनिश्चित संख्या के लिए होता है, तीन या तीन से अधिक के लिए इसका यूज होता है कम से कम। ही नोज एवरीबडी ऑफ द क्लास, एवरीबडी, ही नोज एवरीबडी इन द क्लास, वह क्लास में सबको जानता है, वह क्लास की,
प्रत्येक लड़के को जानता है. ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास. क्लास के प्रत्येक लड़के को जानता है. क्लास में एक दो लड़का तो होता है, कम से कम 30-40 बच्चे होते हैं. तो तीन या तीन से अधिक के लिए इसका प्रयोग होगा, जबकि ईच का प्रयोग देखें दो या दो से अधिक के लिए होता है. ईच ऑफ द टू गर्ल्स वाज प्रेजेंट. प्रत्येक लड़की, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से प्रत्येक लड़की उपस्थित थी. निश्चित संख्या है इसमें, अनिश्चित संख्या है एवरी में. अब देखें एल्डर और ओल्डर में क्या अंतर होता है. ओल्डर और एल्डर एक ही मानते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है. जब हम पास की रिश्तेदारी का वर्णन करते हैं तो हमेशा जैसे बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसके लिए ओल्डर शब्द का प्रयोग नहीं होगा. एल्डर शब्द का प्रयोग होगा बड़े के लिए. देखें एल्डर रिश्तेदारी में बड़ा, जो पास का रिलेशन है, पास की रिश्तेदारी है, बड़ा भाई बड़ी बहन, पास की रिश्तेदारी में बड़ा, इसमें देन का प्रयोग नहीं होता, जबकि ओल्डर में देन का प्रयोग होता है. ही इज माई एल्डर ब्रदर. ही इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं, ही इज माई एल्डर ब्रदर. राहुल इज माई एल्डेस्ट सन. ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है. तो व्यक्तियों के लिए एल्डर आता है, ओल्डर कभी भी इसके लिए नहीं आता है. जैसे रिश्तेदारी वगैरह के लिए ओल्डर का प्रयोग नहीं होता. उम्र में बड़ा, ओल्डर माने उम्र में बड़ा. देन का प्रयोग ओल्डर के साथ होगा, जबकि एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा. शी इज द ओल्डेस्ट. दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल. निर्जीव के लिए, सजीव के लिए, सबके साथ ओल्डर का प्रयोग हो जाता है. लेकिन एल्डर का प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही होता है, बस केवल व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग निर्जीव के लिए हो जाता है. जैसे मैंने अभी बोला, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, ये सबसे पुराना मंदिर है. तो मंदिर जो है वो निर्जीव है, इसलिए इसके साथ भी ओल्ड का प्रयोग, ओल्डर का प्रयोग, ओल्डेस्ट का प्रयोग हो जाता है. She is older than her friend. वो अपनी मित्र से उम्र में अधिक बड़ी है. लेकिन यहाँ रिश्तेदारी नहीं है. आप ये देखें, एल्डर में रिश्तेदारी आती है, इसमें रिश्तेदारी, ओल्डर में रिश्तेदारी नहीं होती. तो ये दोनों में अंतर है. राहुल इज माई एल्डेस्ट सन. राहुल मेरा सबसे बड़ा बेटा है. ओल्डेस्ट सन नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर रिश्तेदारी बता रहा है, क्लोज रिलेशन बता रहा है. अब देखें फादर. फादर दूरी को बताता है. स्पेलिंग में जरूर देख ले, केवल ए और यू का अंतर है. इसमें ए है, इसमें यू है. फादर दूरी का ज्ञान कराता है, फर्दर अतिरिक्त का ज्ञान कराता है, जितना है उससे अधिक. फर्दर जितना है उससे अधिक, और ये दूरी का ज्ञान कराता है. फर्दर लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर. आओ थोड़ा दूर और चले, थोड़ा दूर और चले. लेट अस वॉक ए लिटिल फर्दर, थोड़ा दूर और चले. दूरी को दर्शा रहा है. फर्दर अतिरिक्त है, जितना है उससे अधिक इसका अर्थ है. दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसीडरेशन. इसमें और अधिक अतिरिक्त विचार की आवश्यकता है. रिक्वायर माने आवश्यकता होना. दिस रिक्वायर्स फर्दर कंसीडरेशन. इसमें और अधिक विचार की आवश्यकता है, अतिरिक्त विचार की आवश्यकता है. कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. गॉड ब्लेस यू.